तो फ्रेंड अगर आपके पास अलराजी बैंक है पहले से और किसी दूसरे मोबाइल में यूज करना चाहते हैं, तो जैसे आप लोग ओपन करेंगे ट्रस्टेड डिवाइस, मतलब आप लोग अपने बैंक के साथ उस डिवाइस को रजिस्टर करना पड़ेगा, एक कॉल आएगा, ओटीपी आएगा, पूरा प्रोसेस इस वीडियो के अंदर बताने वाला फ्रेंड, आप लोग कैसे अपने डिवाइस को बैंक के साथ अटैच करेंगे ताकि आप लोग अपना अलराजी बैंक को यूज कर सके किसी दूसरे मोबाइल में। जितने मोबाइल में आप लोग डालते हैं उतना बार रजिस्टर करना पड़ता है। तो मैं अलराजी बैंक ओपन करता हूं, ओपन करके दिखाता हूं आप लोग कैसे रजिस्टर कर पाएंगे अपने बैंक के साथ। जैसे आप लोग अलराजी बैंक ओपन करेंगे, यहां स्विच करना रहेगा। स्विच करने के बाद फ्रेंड यहां पे अब आप लोगों को क्या करना रहेगा, आईडी नंबर जो होगा, आईडी नंबर और नीचे जो पासवर्ड अलराजी बैंक का पासवर्ड होगा, दोनों डाल देना है। डालने के बाद फ्रेंड अब आप लोग को यहाँ लॉग इन पर क्लिक करना है, जो आप लोग यूज कर रहे थे पासवर्ड वही डालना है और आईडी नंबर डाल देना है। डालने के बाद जैसे क्लिक करेंगे एड डिवाइस ट्रस्टेड लिस्ट आएगा, इसको क्लिक करना रहेगा। एड डिवाइस ट्रस्टेड लिस्ट यहाँ पे अब आप लोग को रिसीव ए कॉल पे जाना है, मतलब कॉल आने के लिए आप लोग का रिसीव ए कॉल पे क्लिक करेंगे तभी बैंक की तरफ से कॉल आते हैं। जैसे आप लोग रिसीव ए कॉल क्लिक करके थोड़ा सा इंतजार करना रहेगा, उसके पहले एक ओटीपी आएगा, लिख लीजिएगा जरूर, क्योंकि ओटीपी पूछेगा जब कॉल आएगा, उस ओटीपी को भी पूछेगा। अभी गो टू डैशबोर्ड आप लोगों को नहीं टच करना है फ्रेंड, आप लोग को इंतजार करना है। इंतजार करेंगे यहाँ पे एक कॉल आएगा, कॉल को रिसीव करना है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी बोल सकता है, मतलब एक्सेप्ट करने के लिए जो भी बटन बोलेगा आप लोग को उसको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे अब फिर बोलेगा उसमें आप लोग अपना जो मैसेज आया था, ओटीपी आया था, उस ओटीपी को भी डालना पड़ेगा। तो जैसे ओटीपी डालेंगे फ्रेंड, ओटीपी डालते ही आप लोग का वो फोन कट जाएगा, कटने के बाद वो डिवाइस रजिस्टर हो जाएगा अलराजी के साथ, बैंक के साथ। अब इसमें आप लोग यूज कर सकते हैं अपने अलराजी बैंक को। ऐसा गो टू डैशबोर्ड क्लिक करना है, इसके बाद जैसे फोन कट जाएगा फ्रेंड, फोन कटने के बाद क्या करना है, गो टू डैशबोर्ड करेंगे, यहाँ पे आएगा अलराजी बैंक, अब यहाँ लॉग इन करना है। जब लॉग इन करेंगे फ्रेंड, लॉग इन पे जाना है, लॉग इन पे जाने के बाद अब यहाँ पे आप लोगों को अपना पासवर्ड और आईडी नंबर जब डाल के दोबारा ऑन करेंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ पे अब आप लोग अलराजी बैंक ओपन हो जाएगा और यहाँ पे अब यूज कर सकते हैं। जैसे दोबारा डालेंगे यहाँ ओटीपी आएगा, वन टाइम ओटीपी आता है जितना बार अलराजी बैंक आप ओपन करते हैं। यहाँ पे ओपन करते ही अब क्या होगा, आप लोगों का देखिए अलराजी बैंक ओपन हो जाएगा बड़ी आसानी से। ऐसे आप लोग यूज कर सकते हैं फ्रेंड। तो मैंने आप लोगों को बताया कैसे आप लोग डिवाइस को रजिस्टर कर सकते हैं अलराजी बैंक के साथ। तो फ्रेंड ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, उनको भी पता चले कैसे अलराजी बैंक के साथ अपना डिवाइस को रजिस्टर कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे फ्रेंड, तो मैं हमेशा ऐसा टेक्निकल वीडियो लेकर आता रहता हूँ और सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। अब जितना बार भी खोलेंगे पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड डालते ही तुरंत आप लोग का बैंक ओपन हो जाएगा। अब देख सकते हैं मैंने दोबारा ओपन कर दिखाया, तो ऐसे आप लोग भी अपना बैंक को ओपन कर सकते हैं फ्रेंड।